ওই শো ওয়াটস অ্যাপ বয়েজ কেছো স্বাগত এক ওর ব্র্যান্ড নিউ মন্টেজ বলুঙ্গা ভাই ইসকো মে ওর কুছ বল নি পাউঙ্গা কি ভিডিও না হ্যায় অর না হি ইয়ে লাইভ স্ট্রিম চল রহি হ্যায় ঠিক হ্যায় তো উতরে তো হম পচিনকি থে অর জেসে দেখ রহে হো স্কোয়াড হমে দিখ লিয়ে তো প্রোগ্রাম হমারা রেস্ট কা থা ইসলিয়ে উতরে অর লাকিলি হমে স্কোয়াড ভি মিল গই বট জো দিক্কত কি চিজ থি ও থি ইয়ে কি হমে গন নাই মিলি এক স্কার উইথ 60 MO। अब उसके साथ खेलना यार थोड़ा कठिनाई वाला था क्योंकि आर्मर नहीं था और ना ही हेलमेट था। सबसे गंदी चीज़ भी यही थी क्योंकि अब हमारे टीममेट्स मारे जा रहे थे और हम बैठे इंतज़ार कर रहे थे। अब देखो वहाँ दिखता है मेरे को एक बंदा, वहाँ नोक हुआ, मैं सोचा टैप करके किल निकाल लूँगा, इतने में मेरे को ये ग्रीन आउट से पड़ा। भाई साहब फुल स्कैम हो रखा था, मतलब चारों तरफ बंदे, भाई दिखती एक स्क्वाड थी लेकिन थी नहीं एक स्क्वाड। इतने में मेरे को साउंड आई, सामने वाले घर में बंदा, राइट में भी बंदा, इस घर में मैं देखूं पीक दूं ना दूं, लेकिन लगी उसको मोली। ये चीज़ का आया मज़ा, मैं करा पुश, मतलब तुम आओगे नहीं आओगे, मेरा टीममेट नॉक, मैं और पैनिक। भाई दोनों जल्दी आ, अब सुभजीत को सुन सकते हो आपकी बैकग्राउंड में, वो बोल रहा है तेरे पास। उसको एग्जैक्टली पता भी नहीं है कि मैं रश कर चुका हूँ, मैं चिल्लाए जा रहा हूँ मैं रश कर। भाई 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 ऐसे बंदे किसे बना रहे हैं। तो चलो अब हमारे पास लूट काफ़ी अच्छी कर ली थी इन लोगों ने, तो अब वही लूटने का हमें समय मिल गया, लेकिन क्रेट लूटने यार टीम में ज़्यादा जल्दी आता है। तो चलो अब एक के बाबा हमें मिल गए थे, अब बस ढूंढने थे और कहीं बंदे हैं तो नहीं। इतने में पता चला हमारा टीममेट एक नॉक हो गया है, तो वो ग्रीन हाउस वाला बंदा अब तक किसी ने किल नहीं किया। मैं सोचा नेड निकालूंगा, बट बच गया हो यार। जब हमने पुश दिया तो बंदा बाहर कूद गया। अब बाहर कूदे हम, फिर बाद में पता चला कि जिसको उसने नॉक करा था हम उसको रिवाइव ही नहीं करे। ये बंदा सामने वाले घर में, अब देखा बंदा, दिस इज़ डेंजरस फॉर अस, क्योंकि अगर उसने हमें देखा तो एक नेड देखे हमें ख़त्म कर सकता था, लेकिन नहीं, सुभजीत नेट दिया, हम दिया लेकिन भाग गया। अब मिला शुभू को, शुभू का किल भाई मैं काहे दिखाऊं जबरदस्ती। इतने में गाड़ी आई, एक और गाड़ी आई, अब की बार बग्गी भी आई। तो अब हमारे पास काफ़ी बंदे घिर चुके थे। अब मैंने एक नेट दिया था, वो नेट काफ़ी उनको क्लोज हिट पड़ा था, तो मैं सोचा अभी वो लिट है, चलते हैं, देखी जाएगी रश रश की, लिट बंदे हैं। इतने में दिखे दो, ओ भाई भाई भाई, एक नॉक, दो नॉक, एक का प्रकोप, दिस इज एक का प्रकोप। अच्छा अब हमारे शुभू बाबा नॉक और फिनिश हो चुके हैं क्योंकि वो विंडो में फंस गए थे, दिस इज ओपी यार। अब मेरे को उसकी साउंड आ गई थी बंदे की, तो मैं सोचा बिल्कुल एग्जैक्टली वॉल के है, लेकिन वो मेरे को साउंड सुन के वो आने लग गया था, तो वो थोड़ा सा डिस्टेंस पकड़ लिया, इसलिए मेरा इनिशियल स्प्रे बिगड़ गया और बचा पिक्सल है पी आर। ये बड़ा डेंजरस काम था, मेरी जान कलेजे से निकल के भाई जुबान पे आ गई थी। अच्छा तो अभी मेरे पे लूट हो गई थी, 71 गोलियां थी सर, लेकिन अब माल पानी इन्होंने जो दिया ना भाई, लिटरली अब पंडित जी को एक कार 98 मिल गई। एमुलेटर पे स्नाइपिंग ओपी बोलते हैं ब्रो, इसलिए हमने सोचा कार 98 उठा ली जाए। स्कोप मेरे पास था नहीं, तो अभी मांगते हैं टीममेट से, देखते हैं देता है कि नहीं देता है। भाई भाई ओए ए नंबर 1 2 3 4 सब ओपी ओपी तो हमें 4x में मिल गया, ज़्यादा बड़ा स्कोप तो है नहीं, बट स्टिल आई कैन स्नाइप दिस। शुभू के क्रेट लूटेंगे भाई, ये ज़्यादा ज़रूरी है, ये तो भूल गए थे लूटना, सारा अमृत तो वहीं भरा होता है। अच्छा तो अब सारा पहुँचिंग की हमें लग रहा है कि खाली हो चुका है, लेकिन अब इतनी क्रेटें भरी हुई हैं तो एक बार छान ही लो, कहाँ पता कुछ और ही मिल जाए, फ्लेयर फ्लेयर पड़ी हो, अमृत वमृत मिलता है भाई क्रेट लूटते टाइम। तो चलो जब सब कुछ लूट लिया, हमारा प्रोग्राम बना के कहीं और निकलते हैं, बंदे बंदे ढूंढते हैं, कुछ थोड़ा बहुत अच्छा रश हुआ था अब तक। सो, पहले हमने देखा मैप में एग्जैक्ट हमें कहाँ जाना चाहिए, तो फिर बाद में समझ में आए भाई पेड़ गिरे बचे। हाँ तो अब हमें समझ में आया कि चलते हैं तंबू पे। तो जब हम तंबू पार्टी के लिए निकले, अरे क्लिप हैंग नहीं हुई यार, इश 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 जंपिंग जपाक थम्पक थम्पक।
अच्छा, अब यहाँ पहुँचने के बाद हम ढूंढ रहे हैं कुछ लूट का, हमें मिल जाए, फिर बाद में पता चलता सफाई हो चुकी है यहाँ और पीछे पड़ा फ्लेयर। तो अब प्रोग्राम बना वो फ्लेयर भी लूटते हैं क्योंकि इसकी स्मोक ख़त्म हो चुकी है, ऑलमोस्ट डन था। कई बार बंदे जैसे एक MK वगैरह छोड़ देते हैं तो काफ़ी मेरे MK काम आ जाती है अगर मिलती तो कार 98 की जगह। नहीं भाई, ये भी चाट के खाएंगे, अब क्या कर सकते हैं। तो अब मेरे टीममेट ड्राइव कर रहे हैं और उनका प्रोग्राम था बंदे ढूंढने का। तो एक तो सबसे पहले ये गलत सीन था भाई, ये क्या सीन था ये समझ नहीं आया मेरे को उसका। फिर उसके बाद चले, अब देखो यहाँ से चलेंगे। अब मैं बोला चैट वैट पढ़ूंगा ब्रो, मैं चैट वैट पढ़ता हूँ, लाइव चल रही थी रात के टाइम पे। और भाई जैसे ही बोला चैट पढ़ूंगा इसने सीट चेंज कर दी। यार व्हाट इज़ दिस। अच्छा फिर हम चले स्कूल की तरफ, स्कूल का प्रोग्राम बना के भाई स्कूल चलते हैं, क्या पता कोई बंदा हो, अपार्टमेंट कैंप कर रहा हो, हवाई जहाज। अरे भाई लूटना है भाई तेरे को। फिर मैंने प्रोग्राम बनाया एयरप्लेन लाइन में चलेंगे ताकि ड्रॉप जब वो डाले तो हमें पता हो कि किस डायरेक्शन में डाला। और सेम हमें ड्रॉप मिल गया। अब था ड्रॉप की बारी, सो रश ना आओ। इतने में हमें फायरिंग की आवाज आई, फायरिंग यहां थी तो नहीं लेकिन बट हमें लगे जैसे बंदे हों। तो पहले तो ड्रॉप लूटेंगे यार, वो ज्यादा जरूरी है, ड्रॉप ज्यादा जरूरी है। अच्छा मेरे बैग में इतने भी स्पेस नहीं थे लिटरली कि एक एड्रेनलिन सिरिंज उठा सकूं। 7mm तो यार सबको पता है वो काफ़ी हाई स्टोरेज के लिए होती है, 7mm स्टोरेज ज़्यादा लेती है। तो FPS चेक करा था मैं बीच में, अभी ये जो था ये FPS चेक करने के लिए मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, कितना लैग कर रहा है। अभी यार बहुत ज़बरदस्त क्लिप है, मज़े आने वाले हैं तुम लोगों को भाई। स्टार्ट। और एक्सेलेंट वर्क, बोप भी बचा भाई, तीन बाइक कर दी भाई। चार वाइप बोलते ब्रो, चार वाइप बोलते, मजा आया। ये क्लिप मैं बार बार देखना चाहूँगा यार, ये पहली मेरी कार वाइप है आई गेस, नहीं दूसरी है, मेरे को नहीं पता यार। अच्छा लाइव स्ट्रीम पे ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि यार लाइव स्ट्रीम में तुम सबको पता है यार कभी ना कभी कहीं ना कहीं गेम लैग कर रहा होता थोड़ा थोड़ा, क्योंकि यार मैं एक ही PC पर खेलता हूँ, उसी से लाइव स्ट्रीम करता हूँ और कहीं ना कहीं मैं उसी नेटवर्क से मेरे दूसरे मोबाइल के अंदर हो यार वो मेरे चैनल से YT स्टूडियो एनालिस्टिक क्रोम पे खोल के बैठा होता हूँ ताकि चैट्स पढ़ सकूँ। तो यार वो चीज़ काफ़ी डिस्टर्बिंग हो जाती है क्योंकि एक नेटवर्क जो आपको 15 Mbps स्पीड दे रहा है उससे आप स्ट्रीम भी कर रहे हो और वो भी 480 pixels कर रहा हूँ यार मैं, वो भी बहुत बड़ी गनीमत है यार, क्या कर। अच्छा तो ये गाड़ी थी यार बहुत ज़्यादा डैमेज, तो हमने प्रोग्राम करा कि ये गाड़ी लेके चलेंगे बट फ्यूल नहीं था। अब क्या किया जाए, यहाँ पे लगा दी मेरे को हमारे दादाजी ने आवाज़ लाइव स्ट्रीम की जो रही, तो अब सुनना पड़ा। इतने हमने देखा कि हमारी गाड़ी रिवर्स में फ्लो बना चुकी है, तो अभी घूम के चलते हैं कहीं जोन वोन में अच्छी से ढंग की जगह मिले तो। अच्छा उड़ाई जा रहे हैं भाई, वैसे तो बूस्ट पे चल रहे हैं, पता भी नहीं है, होश में नहीं है कि फ्यूल नहीं है। अब ड्रॉप पे जाके गाड़ी खड़ी, भैया आप चला लो, लूटा है। अच्छा तो अब हमारे गेम का सबसे गंदा हिस्सा खराब होता है यार, क्या बोल रहा हूँ, इतना गंदा कि बोलना भी खराब हो गया ये, कि भाई उसको पता नहीं कि मैं उस तरफ जा रहा हूँ और मेरे को पता नहीं कि वो उस तरफ जा रहा है, बहुत हार गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, जिसके कारण हमारी डिस्टेंस काफ़ी बढ़ती जा रही है और बहुत तेज़ रेट से बढ़ी। जब मैंने उसको देखा, अब होश में आऊँगा मैं, अरे कब आऊँगा, आ गया। अब देखो 350+ meters भाई हमारी डिस्टेंस बन चुकी थी, क्योंकि 150 meter में आया, 150 meter हो गया, होश में आया तब तक तो भाई बहुत दूरी हो चुकी थी। फिर उसके बाद मैं सोचा यार जोन में थोड़ी अंदर की तरफ निकलते हैं, बट मैं सोचा यार चले उसकी तरफ ही लेकिन नहीं यार, क्योंकि अब टीममेट है भाई, भरोसा नहीं हो कब क्या बिगाड़ दे सिस्टम। और भाई जैसे ही उसकी तरफ मुड़ा लिटरली बंदा नॉक, और नॉक के साथ फिनिश भी, मैं उस तक पहुँच भी नहीं पाया। अब स्नाइप करूँगा तो क्लिफ आ रही है यार बीच में, तो मैं उसको देख भी नहीं पाऊँगा एग्जैक्टली कहाँ है यार, 8x से यार इतना तो पकड़ ही जाता वरना। अब यहाँ आके मैंने देखा भाई साहब लिटरली खूब बंदे, मैं सोचा स्नाइप करेंगे, अब स्नाइपर निकालने वाला था मैं, पर मैं होश में आया कि भाई इस टाइम अगर तेरे पे कवर नहीं है और जो तूने स्नाइपिंग खोल के अगर एक नॉक दे भी दिया तो तू कवर तक जाएगा तब तक निपट जाए। ओके एक नॉक दिया मैंने, दूसरे को काफ़ी डैमेज दिया। अब मेरा प्रोग्राम भाई इनको उड़ाने का बहुत 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 रेज फॉर्म में था। अब मैं पहले सोचा अपना किल कन्फर्म करूँगा, इतने में गिरोजा वाला आया, गिरोजा अंकल जी ने हमें सुला दिया और पता चला कि थोड़ा लैग भी चल रहा है।